जी जी इसी हंसते बोलते माहौल में आज की कसौटी का आगाज करते हैं। फिर एक शख्सियत लेकर आ रहे हैं और एंड तक हमारे साथ रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा। एक बात बताऊं, इस बात में मैं श्योर हूं कि उसके नाम जो है ना वो ए से जी कोई भी लेटर जिंदा है जी। हाँ जी जिंदा है। जिंदा है जी। एशियाई है? यस एशिया से है। ये हम इंडिया पाकिस्तान में चले या डायरेक्ट पाकिस्तान कहीं और ही चले जाओ? पाकिस्तान तो इंडिया से ही आंदी है, इसके अलावा तो कितने जेन नहीं जाना। एशिया ही साउथ एशिया का। साउथ एशिया से हैं जी? हाँ जी साउथ एशिया से हैं। पाकिस्तान देखा ये क्या कर रहे हैं ये लोग, एक सवाल सवाल वो करके ना। लेकिन ये पूछना फिर भी जरूरी होता है। पाकिस्तान से पाकिस्तान से ताल्लुक है? नहीं इंडिया पाकिस्तान इंडिया कंफर्म कर लें। इंडिया से ताल्लुक है? हाँ जी इंडिया ने जी। मुझे लगता है ये जो इरम है ना ये फिर कोई एक्टर ले आएंगे। फिर कोई एक्टर ले आएंगे। ये एक्ट्रेस भी हो तो नहीं एक्ट्रेस इस कैसे यार अगर करण जौहर पूछ लिया हो किसी से तो पता कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या कहूँ, मर्द कहूँ या अच्छा खैर बज़ाहिर मर्द ही है वो। 6-7 सॉरी 6 सवाल हो चुके हैं। इंडिया से ताल्लुक, हम अब उनकी वो वजह शोहरत पूछे। शोबिस पहले शोबिस की। शोबिस या पॉलिटिशियन? पहले शोबिस की। यानी ये हर दफा जरूरी है कि शोबिस से ही ताल्लुक होगा? हर दफा जरूरी है? देखिए हम सवाल ये करें क्या उनका ताल्लुक शोबिस से है? क्या उनका ताल्लुक शोबिस से पूछ रहे हैं? शोबिस में अब सिंगर पूछे या एक्टर पूछे? सिंगर होगा कोई मिक्सचर आदमी। जिंदा है ए आर रहमान? अगर सिंगर हैं तो ए आर रहमान हो सकते हैं। ठीक है सलीम दरबारी हो सकते हैं वो भी अच्छे। पहले क्लियर कर लें कि सिंगर हैं। सिंगर हैं या पहले पूछ लें एक्टर हैं? हाँ पूछ लो पूछो। फिल्मी एक्टर कर लें? फिल्म भी आ जाएगी एक्टिंग भी आ जाएगी। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन निकला है आज हमारे उसमें हैं यार दो चीज़ें निकल जाएंगी। ये पूछो ही नहीं हमें कॉपी कर रहे हैं। एक्टिंग को छोड़ दो सिंगर हमें कॉपी कर रहे हैं। क्या वो सिंगर हैं? नहीं। वजह शोहरत उनकी एक्टिंग है? वजह शोहरत अदाकारी। क्या उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है? नहीं प्लस नहीं है मतलब कोई यंग जो है ना अदाकार है। शाहरुख खान गया सलमान खान रुको इनकी एज देखें हम 50 प्लस किए बैठे अब ये आधा घंटा गया। अच्छा एक चीज और कर चलो एक चीज और कर लें 40 साल वो नीचे के कितने जाएंगे फिर 8-7 जाएंगे? काफ़ी सारे चले जाएंगे यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बहुत सारे नाम मेरे जहन में अभी भी आ रहे हैं लेकिन वो बहुत सारे निकल जाएंगे। 40 साल का कर लें क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से 45 करो यार 5 साल की ब्रैकेट का फ़ायदा नहीं होगा बहुत कम लोग उसके अंदर आएंगे या नहीं फिर जीत जाएंगे। 40 साल करें चलें 40 साल करें। क्या उनकी एज जो है वो 40 साल से ज़्यादा है? 40 से 50 में एक एक्टर देखो अब कौन कौन जहन में आ रहे हैं आपके? ये देखें ये टाइगर शोरफ टाइगर शोरफ एक हैं। अच्छा ये धवन के बेटे का क्या नाम? वरुण धवन। वरुण धवन है ये अब लीडिंग में अगर लेकिन वो 40+ नहीं है। वरुण धवन तो यंग बिल्कुल 40 से नीचे है। ये भी 40 से नीचे है। शाहिद कपूर है। शाहिद कपूर है वो अब 40+ हो गया होगा है ना वो तो हो गया होगा 40+ 41-42 हो सकता है। क्या ये जो अदाकार हैं ये ज़्यादातर अपनी फिल्मों में हीरो का रोल करते हैं हीरो के किरदार में ज़्यादा आते हैं? हाँ जी शाहिद कपूर की तरफ बात जा रही। अच्छा इस सवाल से बात शाहिद कपूर की तरफ चली गई ज़्यादातर तौर पे कबीर सिंह में नेगेटिव नहीं था शाहिद कपूर नेगेटिव था ना कबीर सिंह में। अच्छा कपूर फैमिली कर लूं क्या उसके नाम में कपूर आता है? कपूर फैमिली तो फिर वो दूसरे निकल जाएंगे काफी सारे। या मूवी का नाम पूछ लूं मूवी जब भी मेट कबीर सिंह में क्या उन्होंने कबीर सिंह मूवी में काम किया हुआ है? नहीं तो शाहिद कपूर गया
जान छुट्टी कपूर कर लेते तो काफी सारे हम हमारे पास रह जाते तो बंदे चलो ये तो गया ना बंदा रूल आउट करना था हो गया कोई और नाम सोच लो अच्छा अब आओ हीरो क्या ये जो एक्टर हैं ये मुसलमान है हाँ जी मुसलमान है अब सारे निकल गए जो नाम है अजैन में आ रहे थे कपूर चौधरी ये वो सारे निकल गए मुसलमान ये आपको सवाल कपूर वाले से पहले करना चाहिए जीतना चाहती है डेली कास्ट मुसलमान में कोई और नाम ज़ेहन में आते हैं मुसलमान सवाल कर लूं लंबा हो जाएगा यार तुम सवाल आया आप करने लग जाते हो यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम क्लियर करते हैं क्या उन्होंने स्केर्ड गेम में काम किया हुआ नहीं क्या नवाजुद्दीन ज़ेहन से निकलेगा कोई और एक के ऊपर तुमने ना एक सवाल दायर कर कोई बात नहीं कुछ क्या हुआ 20 की ऑप्शन है 15 हुए 16 सवाल ऋतिक रोशन भी निकल गया सुहेल खान सलमान खान का भाई और वो उसकी कोई फिल्म मुझे तो नहीं याद पड़ती कि वो बहुत मशहूर फिल्म हो उसकी अरबाज खान हाँ अरबाज खान चलो इससे लग रहा है कि सुहेल खान पसंद नहीं है अरबाज खान थोड़ा पसंद है नहीं अगर वो कि वो एज ए प्रोड्यूसर आप कह सकते हैं कि वो लोग कामयाब लोग हैं लेकिन वो एज ए एक्टर तो दोनों ही इतने कामयाब नहीं है अच्छा ये इमरान खान भी है ये वाला ये भी 50-40 प्लस है अच्छा इमरान हाशमी इसकी एज बता दो मुझे इमरान हाशमी देख लें इमरान की एक्चुअल एज तो ये 53 नहीं है तो विकिपीडिया या गूगल बता हम विकिपीडिया के साथ चलेंगे मैं उसकी शनाख्ती कार्ड के साथ चलूंगा हाँ वो आप शनाख्ती कार्ड के साथ चलें 42 ये आते हैं इमरान हाशमी इसको 42 लिखो अच्छा अब दूसरा रह गया हमारे पास ये क्या था इसका नाम अरबाज सलमान खान से बड़ा है अरबाज तो बड़ा है जहाँ तक मुझे पता है हाँ हाँ अरबाज खान बड़ा है 54 है सुहेल खान अब इमरान हाशमी को रूल आउट कर लें अगले नामों को ज़ेहन में ये भी 51 है ये भी रूल आउट हो गया अच्छा एक हमारे पास अब इमरान हाशमी है और दूसरा वो जो था जैद खान उसको यार रख तो लो ना अंदर बाद में फिर ढूंढना पड़ेगा नहीं नहीं वो नहीं हो सकता लिख लिया जी ये लो जैद खान 41 अच्छा अब हाशमी को करते हैं पहले वो एज ए हीरो ही आया इस भी मूवी में आए हैं अब उसकी वजह शोहरत क्या पूछूं फिल्म वगैरह पूछ लेता हूँ जन्नत जन्नत हाँ जन्नत मूवी क्या उन्होंने जन्नत मूवी में काम किया लेकिन नहीं आप ये सवाल नहीं कर सकते क्यों उसकी वजह ये है कि हमारे प्रोग्राम में इरम हाशमी ऑलरेडी मौजूद है तो ये गलत है नहीं आप बता देना क्या गलत है इसमें क्या उन्होंने जन्नत सवाल पूछ ले जैद खान के बारे में पूछ ले आप जैद खान सर उस बंदे के वो सिर्फ एक ही मूवी है आपको अच्छा नहीं लगता इट डजंट मीन कि वो किसी को भी नहीं अच्छा नहीं लगता हाँ ठीक है ना आपको अगर वो पसंद मैं आपसे सवाल कर चुका हूँ आप मुझे जवाब दें कि क्या उन्होंने जन्नत मूवी में काम किया इंडिया वाली या पाकिस्तान वाली इंडिया वाली इंडिया की जन्नत मूवी आपने कहा है उसका ताल्लुक इंडिया से उसमें भी दो यार देखो मर्डर के बाद मर्डर तो मर्डर में काम किया हुआ है कौन सी हॉलीवुड की बॉलीवुड की अब मैं जवाब दे दूं आपका आपका जवाब हाँ में है तो मुझे बता जी जन्नत में किया हुआ है क्या वो जन्नत मूवी में हीरो आए हैं जी जन्नत मूवी आपने आपने इमरान हाशमी पूछा है ठीक है देखिए मेरे आने का फायदा ये हुआ है कि पहले उन्होंने 18वें सवाल में जाके इन्होंने गेस किया उससे पहले 14वें में किया गेस इमरान हाशमी जनाब 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस लिए लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिल नहीं सका और इनका पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है और इन्होंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर सन 2002 में राज मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे और वहां से अपने करियर का आगाज किया बाद में बेशुमार मूवीज दी हैं और एक इन्होंने विद्या बालन के साथ मूवी की मेरी अधूरी कहानी सर बहुत आई लव दैट मूवी मुझे बहुत पसंद है मुझे इसके करियर की बाकी मूवीज होंगी अपनी जगह पर ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी और पहली बार मुझे इसकी अदाकारी और वो मूवी पसंद और ये मेरी जाती राय थी जी परवीन शाहानी इनकी मिसेज 2006 में उनसे शादी की इन्होंने इनका एक बेटा है उसके ऊपर जब इसने बायोग्राफी लिखी है इमरान हाशमी ने तो उसमें किस ऑफ लाइफ के नाम से वो बायोग्राफी लिखी है कैंसर सर्वाइवर
इनका बेटा, बेटा। अच्छा। उसने कैंसर के अगेंस्ट एक बड़ी अच्छी जंग लड़ी, तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये एक अच्छे किरदार के साथ, आज की एक अच्छी शख्सियत के साथ हमारी कसौटी एंड होती है। जाते जाते ये बात करना चाहेंगे कि इरम आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि जो कसौटी आपने खेली आपको कैसी लगी? मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत, इवन कि आपको लग रहा होगा मेरी इन्वॉल्वमेंट से, और मैंने भरपूर कोशिश की कि इनको थोड़ा मैं कंफ्यूज कर सकूं और थोड़ा सा मुश्किल बनाऊं, और उस चीज़ में मैं कामयाब हुई। आप इस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट करें, ये भी करेंगे अंदर अंदर से कर रहे होंगे, ऊपर से नहीं कर सकते। लाजवाब परफॉर्मेंस रही इरम की, और एक बहुत ही खूबसूरत इजाफा तो है ही, ग्लैमर तो नो डाउट के अनलिमिटेड है, बट ये मुझे बताएं, अक्सर लोग सोचते हैं कि जी हम चीटिंग करते होंगे या बता देते होंगे, ये ऐसे होता होगा पहले से प्लान्ड। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो जब ये चीज पता चलती है कि नहीं यार मजा ही तब आता है जब ना मालूम हो, तो ये कैसे आपको, आपने आज बूझी भी है और इन्होंने हमसे पूछी भी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? दोनों में बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, और स्पेशली मुझे लगता है जहां तक ज्यादा मजा गेस करने में आता है, अच्छा। और ये हमारे सब्सक्राइबर को आप कहना चाहेंगे कि ये भी अगर लाइव कोई सवाल हमसे करना चाहे, पूछना चाहे, आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं, और इवन कि आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को मजीद किस तरीके से बेहतर कर सकें, जैसे कि नवीद साहब ने बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि जी हम, हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने तमाम जितने भी हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकें, तो उसके लिए सिर्फ हम चार काफ़ी नहीं हैं, आप लोग, आप सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करती हूँ और सब लोगों से कहती हूँ कि जनाब जो जो लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं, सबसे पहला काम कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, दूसरा काम आपके जहन में कोई भी इम्पॉर्टेंट अच्छा दिलचस्प कोई सॉन्ग्स आते हैं, कोई आपके जहन में कोई प्लेसेस आती हैं, या आपके जहन में कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी आती है, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, और बताने के लिए नंबर भी है, हम आपसे फ़ौरन जैसे आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले आपको उस चीज़ का रिस्पांस दे सकें, और आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बस 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 यार ये बोलना शुरू करती है ना तो मुझे अच्छा लगता है बोलना और इंटरेक्शन करना, और आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो हमारे देखने वाले हैं वो इंशाल्लाह हमसे कांटेक्ट करेंगे। आप ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, बरल जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हमें भी इनके साथ कसौटी खेल के एक बिल्कुल रिफ्रेशिंग एहसास हुआ, और हमें आप चैलेंज करें, कमेंट्स में चैलेंज करें, हम फोन नंबर देंगे आपको, जो जो चैलेंज करना चाहता है कमेंट्स में बताएं, और हम उसे फोन नंबर बताएंगे, आप उस फोन नंबर पर कॉल करके टाइम हमसे कोलैबोरेट करें, लाइव आए, हम वो स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे, वो जो सेशन रिकॉर्ड होगा कसौटी का उसे हम ऑन एयर करेंगे, आपके नाम आवाज के साथ आप जवाब देंगे, हम सब लोग उसे बूझेंगे। तो एक नए स्टेप पर हम जा रहे हैं अपनी कसौटी को लेकर, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। फोर स्टार कैफे से अभी इजाजत चाहते हैं, तो एक क्लैपिंग हो जाए जी हमारा रिवाइज। अल्लाह हाफिज़।